नमस्कार दोस्तों, लक्ष्य प्रकाश में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने मोबाइल में टैप स्कैनर ऐप को कैसे यूज़ कर सकते हो। जी दोस्तों, अगर आप भी अपने डॉक्यूमेंट को पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहते हो तो गाइस आज के इस वीडियो में आपको टैप स्कैनर ऐप के बारे में बताने वाला हूँ, जहाँ पर आप अपने डॉक्यूमेंट को स्कैन करके अच्छी क्वालिटी में पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हो। और गाइस इसके अलावा और भी कई सारे फीचर्स आपको टैप स्कैनर ऐप में देखने को मिल जाते हैं। तो गाइस अगर आप जानना चाहते हो तो इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर देना, और गाइस आपको ऑल पर सेट कर देना है, इससे आने वाली हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिला करेगी। तो चलिए फ्रेंड्स आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से टैप स्कैनर ऐप को डाउनलोड करना है। सिंपली गाइस आपको प्ले स्टोर पर सर्च करना है टैप स्कैनर, और गाइस आपको सिंपली इस वाली एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है। और यहाँ पर आप देख सकते हो इस एप्लीकेशन पर फिलहाल 50 मिलियन यहाँ पर डाउनलोडिंग हो चुकी है। तो गाइस कुछ इस प्रकार से आप अपने मोबाइल में प्ले स्टोर से टैप स्कैनर ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद गाइस आपको टैप स्कैनर ऐप को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद गाइस आपको कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करना है, और इसके बाद गाइस यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा कंटिन्यू विद लिमिटेड वर्जन। तो गाइस आपको सिंपली इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, और इस पर क्लिक करने के बाद गाइस आप अपने मोबाइल में टैप स्कैनर ऐप को फ्री में यूज कर पाओगे। जी गाइस अगर आप टैप स्कैनर का प्रीमियम प्लान लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आप प्रीमियम प्लान भी ले सकते हो, अदरवाइज गाइस आपको फ्री वर्जन में भी बहुत सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। और गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो आपके सामने इस एप्लीकेशन का कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा, और यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। और गाइस यहाँ से आप किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैन करके आप पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर अगर आप अपने गैलरी में से किसी भी फोटो को या फिर डॉक्यूमेंट को अगर आप पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहते हो तो गाइस आप अपने गैलरी में से फोटो को भी पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हो। तो फिलहाल गाइस मैं यहाँ पर किसी एक फोटो को स्कैन करके डॉक्यूमेंट को स्कैन करके पीडीएफ में कन्वर्ट करके आपको यहाँ पर दिखा लेता हूँ। तो गाइस अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को स्कैन करके अगर आप पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको सिंपली स्टार्ट स्कैनिंग वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, और इस पर क्लिक करने के बाद गाइस आप जिस भी डॉक्यूमेंट को स्कैन करना चाहते हो सिंपली यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट को परफेक्टली यहाँ पर आपको सेट करना है। इसके बाद गाइस यहाँ पर आपको इस कैमरे वाले आइकन पर क्लिक करना है, और इसके बाद गाइस आपका जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पर कैप्चर हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो डॉक्यूमेंट यहाँ पर आ चुका है, और यहाँ पर आपको परफेक्टली अपने डॉक्यूमेंट को यहाँ पर आपको क्रॉप करना है। इसके बाद सिंपली आपको नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप रोटेट करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो गाइस मैं यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूँ, और इसके बाद गाइस यहाँ पर आपको बहुत सारे फिल्टर देखने को मिल जाते हैं, जिससे कि दोस्तों आप अपने डॉक्यूमेंट का कलर यहाँ पर आप चेंज कर सकते हो। तो फिलहाल गाइस मैं यहाँ पर किसी एक फिल्टर को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ से दोस्तों आप कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा सकते हो और कम कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप ब्राइटनेस को भी बढ़ा सकते हो और कम कर सकते हो, आप अपने हिसाब से यहाँ पर सेट कर सकते हो। और इसके बाद गाइस यहाँ पर आपको सिंपली टिक ऑप्शन पर क्लिक करना है, और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पर सेव हो जाएगा। और इसके बाद दोस्तों अगर आप और भी डॉक्यूमेंट ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, और यहाँ से दोस्तों आप अपने और भी डॉक्यूमेंट फोटोज वगैरह यहाँ पर आप क्लिक करके ऐड कर सकते हो। तो फिलहाल गाइस मैं यहाँ पर एक और फोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो फोटो ऐड हो चुका है, फोटो को परफेक्टली यहाँ पर आपको क्रॉप करना है। इसके बाद गाइस आपको नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है, और इस पर क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पर आपको बहुत सारे फिल्टर मिल जाते हैं। फिल्टर सेलेक्ट करने के बाद गाइस आपको टिक पर क्लिक करना है, और इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपका जो फोटो है वो यहाँ पर ऐड हो चुका है। इसके बाद गाइस अगर आप इसे पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट करना चाहते हो तो सिंपली आपको इस डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर अगर आप पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट करना चाहते हो तो पीडीएफ वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, अगर आप इमेज में कन्वर्ट करना चाहते हो तो इमेज ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो फिलहाल गाइस मैं यहाँ पर इन डॉक्यूमेंट को पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, मैंने यहाँ पर पीडीएफ ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद यहाँ पर आपको क्वालिटी सेलेक्ट कर लेनी है, देन गाइस आपको सेव ऑप्शन पर क्लिक करना है, और इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पर जो पीडीएफ फाइल है वो यहाँ पर कन्वर्ट हो चुकी है। और यहाँ से दोस्तों आप इस पीडीएफ फाइल को यहाँ पर आप शेयर भी कर सकते हो। तो गाइस ये जो पीडीएफ फाइल है वो आपकी मोबाइल की स्टोरेज में डायरेक्टली यहाँ पर सेव हो जाएगी। और गाइस मैं यहाँ पर अपने मोबाइल के स्टोरेज से यहाँ पर पीडीएफ को ओपन करके आपको यहाँ पर दिखा लेता हूँ। तो गाइस मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पर पीडीएफ जो है वो यहाँ पर सेव हो चुकी है। तो यहाँ पर गाइस मैं पीडीएफ को ओपन कर लेता हूँ, और दोस्तों आप देख सकते हो हमारी जो पीडीएफ है वो यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। तो गाइस कुछ इस प्रकार से आप अपने मोबाइल से किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैन करके आप पीडीएफ में
कन्वर्ट कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको और भी कई सारे फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे अगर आप गैलरी से फोटोज या फिर डॉक्यूमेंट को अगर आप पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहते हो तो गाइस आपको गैलरी ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ से पहले मैं बैक आ जाता हूँ और इसके बाद गाइस यहाँ पर मैं यहाँ पर फिर से ओपन कर लेता हूँ। और दोस्तों आप गैलरी से फोटो या फिर डॉक्यूमेंट को पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहते हो तो इसके लिए गाइस आपको गैलरी ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको फोटो सेलेक्ट करना है, जिस भी फोटो को आप पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहते हो। तो फोटो सेलेक्ट करने के बाद गाइस आपको अप्लाई पर क्लिक करना है और यहाँ पर हमारा जो फोटो आ चुका है इसको परफेक्टली यहाँ पर आपको क्रॉप करना है। देन गाइज आपको नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक करने के बाद फिल्टर आपको चूज करना है। इसके बाद गाइज आपको टिक पर क्लिक करना है और गाइज आपका जो इमेज है वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर अगर आप और भी इमेज वगैरह ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पर आप अपने इमेज ऐड कर सकते हो। और इसके बाद गाइज पीडीएफ में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको पीडीएफ ऑप्शन सेलेक्ट करना और गाइज आपको सेव पर क्लिक करना और आपकी पीडीएफ यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। तो गाइस कुछ इस प्रकार से आप अपने मोबाइल में टैप स्कैनर ऐप को यूज़ करके आप अपने डॉक्यूमेंट को स्कैन करके या फिर अपने मोबाइल की गैलरी में से किसी भी फोटो या फिर डॉक्यूमेंट को आप पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों अगर आप इस एप्लीकेशन का प्रीमियम प्लान लेना चाहते हो तो गाइस इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आप इस एप्लीकेशन का प्रीमियम प्लान ले सकते हो। तो गाइस कुछ इस तरीके से आप अपने मोबाइल में टैप स्कैनर ऐप को यूज़ कर सकते हो। तो गाइस कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर देना।